अब प्राणायाम और ध्यान के लिए सिद्धासन, बाएं पैर नीचे दाएं पैर ऊपर, एड़ी पर एड़ी, टखने पर टखना, पंजा एक दूसरी पिंडली और जंघा के बीच में, बाएं पैर का पंजा दाएं पैर की पिंडली और जंघा के बीच में ऐसे नीचे से, दाएं पैर का पंजा बाएं पैर की पिंडली और जंघा के बीच में ऊपर से ऐसे बैठना है। और ऐसे बैठ करके और फिर हम प्राणायाम करेंगे, ध्यान करेंगे। मैं कह रहा था यद्यपि जीवन में बहुत प्रकार के दुख है, धन का दुख है, मन का दुख है, दुर्विचारों के कारण से, दुर्भावनाओं के कारण से, दुष्कर्मों के कारण से, दरिद्रता के कारण से, अलग अलग प्रकार के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक अन्याय होते हैं, हिंसाएं होती हैं, झूठ बेईमानी होती है, उन सब के कारण से बहुत प्रकार के दुख हैं जीवन में। लेकिन सबसे बड़ा दुख संसार में, बाकी सब प्रकार का वैभव ऐश्वर्य सब कुछ है, लेकिन यदि अपना मन सुखी नहीं है, तब अपना मन अच्छा नहीं है तो सुखी नहीं है। और मन का सबसे बड़ा दुख है, हम अपने भीतर एक अपूर्णता, अधूरापन अनुभव करते हैं। और उस अधूरेपन को भरने के लिए बाहर की व्यक्ति, बाहर की वस्तु, बाहर के संबंध, बाहर की सत्ता, संपत्ति, ऐश्वर्य, उसके प्रति एक अविवेक पूर्ण तृष्णा जागृत हो जाती है, और इसमें व्यक्ति पागल होकर के न जाने कितने अनर्थ करता है। इसलिए योग में कहते हैं मैं स्वयं में पूर्ण हूँ, और ये सृष्टि भी अपनी अपनी पूर्णता में, दिव्यता में प्रतिष्ठित है। ये है योग का सिद्धांत। लंबे गहरे श्वास भरेंगे, बाहर छोड़ेंगे, सहजता पूर्वक भस्त्रिका कपालभाति बाह्य उज्जायी, अनुलोम विलोम भ्रामरे उद्गीत, ये प्राणायाम और प्राणों के साथ प्रणव का ध्यान, प्राणायाम का तप और ओंकार का जप करते हुए, योग का अभ्यास करते, मैंने कहा योग एक अभ्यास है। और योग का आज समग्र दर्शन मैं आपको करा रहा था कि योग दर्शन है क्या, मात्र आसन, मात्र प्राणायाम, मात्र ध्यान, मात्र व्यायाम ये योग नहीं है, मात्र जप, मात्र तप योग नहीं है। योग एक समग्र दर्शन है जीवन का, उसको वैसे ही जानना है और वैसे ही जीना है। और ऐसा योगमय जीवन हो सबका, योगमय राष्ट्र, योगमय विश्व, ये सपना संकल्प है हमारा। और आज नहीं तो कल ये सपना पूरा होगा, इसके लिए हम 10, 20, 50, 100, 200, 500 साल तक लगे रहेंगे, और ये राष्ट्र और विश्व एक दिन योगमय बनेगा। जब हम एक संकल्प के साथ लगे रहते हैं तो निरंतरता पूर्वक, जब एक संघर्ष, एक पुरुषार्थ घटित होता है तो उसका एक दिव्य भव्य परिणाम अवश्य आता है। ऐसे भस्त्रिका प्राणायाम, सामान्य गति, मध्यम गति और तीव्र गति से, जैसा जिसका सामर्थ्य हो वैसा करना, सावधानी पूर्वक करना। जब हम दुनिया में जाते हैं और योग कराते हैं तो हेल्थ एंड सेफ्टी अनाउंसमेंट पहले करते हैं, किसी को उच्च रक्तचाप, हृदय रोग है, अन्या है, कमर में दर्द है, कमजोरी है, तो फिर कोई भी आसन, प्राणायाम, योगाभ्यास जोर से नहीं करना। गर्भवती महिलाओं को कोई भी कठिन आसन नहीं करना। जो बहुत कमजोर हैं उनको बहुत सहजता के साथ योग करना, ऐसे बोल के योग करवाया जाता है। तो कोई भी कार्य सावधानी पूर्वक तो किया ही जाएगा, चाहे सड़क पर चलें, चाहे संसद में बैठें, चाहे कुछ भी बोलें, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हम जब गुरुकुल में पढ़ते थे तब हमारे गुरुजी ने हमको कम से कम 1000 बार ये बात कही होगी। हम सोचते थे उस समय कि गुरुजी ये बात रोज हमको क्यों सुनाते, ये तो सड़कों के किनारों पर लिखा रहता है, बोर्ड लगे रहते, सावधानी हटी दुर्घटना
घटी। तो भाई ये सड़क की बात नहीं है, ये मात्र संसद की बात नहीं है कि जुबान कुछ फिसल गई और फिर पति पत्नी माता पिता गुरु शिष्य के व्यवहार में संबंध में संबंधों में सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सत्ता में बड़े बड़े साम्राज्य खंडित हो गए, टूट गए, ध्वस्त हो गए। भस्त्रिका ऐसे सामान्य मध्यम या तीव्र गति से करते हैं, फिर कपाल भाती करो, देखो देखो लय के साथ करना, विधि पूर्वक करना। अब जैसे भस्त्रिका हम तेजी से करने के लिए बोलते हैं तो कुछ पूरे हिलने लगते हैं, जैसे कोई भूत प्रेत आ गया हो उसमें। ऐसे नहीं करना, वैसे तो भूत प्रेत कहीं किसी में आते जाते नहीं है। या तीव्र गति से करें तो सीधे ऐसे नहीं करना, फिर पता नहीं कैसे कैसे पूरा ऐसे 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 ये कार्यक्रम नहीं कर रहा है। देखो विधि पूर्वक करना सब। भस्त्रिका के बाद कपाल भाती, सहजता पूर्वक करना। योग की साधना के संदर्भ में आज कुछ बड़े संकेत में कर रहा था कि ये जीवन बहुत बड़ा सत्य है, जीवन अनादि है, अनंत है। जीवन भगवान की सबसे बड़ी सौगात है और वो भी मनुष्य का जीवन है। भगवान ने बिना किसी भेदभाव पक्षपात के हम सबको अनंत ज्ञान, अनंत संवेदना, अनंत सामर्थ्य से युक्त किया है। भस्त्रिका के बाद कपाल भाती भी, लय के साथ करना, मूलाधार से सस्रार तक अपने अंत शक्तियों को जगाना, देह को दिवालय शिवालय बनाना। तुम्ही शिव हो, तुम्ही पार्वती हो, तुम्ही राम हो, तुम्ही सीता हो, तुम्ही कृष्ण हो, तुम्ही रुक्मणी हो, तुम्ही लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती पार्वती, तुम्ही राम कृष्ण हनुमान गौतम कणाद जमने पाणिनि पतंजलि दयानंद विवेकानंद, तुम्हारे भीतर सब कुछ है। उस सब कुछ को जगाने का जो मंत्र है, सब कुछ को जगाने की जो पद्धति है, प्रक्रिया है, द मैकेनिज्म, द मैथड, द प्रोसीजर इज योग। ये है बात। लय के साथ करना एक अनुष्ठान की तरह करना, योग का पूरा दर्शन। योग का पूरा अभ्यास, योग दर्शन मात्र कुछ सूत्र नहीं है, योग दर्शन मात्र कुछ प्रक्रिया नहीं है, ये पूरा जीवन ही योग है। जीवन में जो कुछ हम जान रहे हैं सारा ज्ञान योग है। जो कुछ हमारे भीतर प्रेम करुणा वात्सल्य सद्भावना सहानुभूति है, सारी संवेदनाएं योग हैं, ये भक्ति योग है। ईच एंड एवरी एक्शन इज योग है, ये कर्म योग है। जो कुछ हम कर रहे हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये अष्टांग योग है। इसी को शास्त्रों में राजयोग भी कहा है। अग्नि सोमात्मकम् इदं जगत, अग्नि और सोम ये दो ही बड़े तत्व हैं सृष्टि के, इन दोनों तत्वों का समन्वय यही हठ योग है। हकार कीर्ततः सूर्य ठकार चंद्र उच्यते, सूर्य चंद्रमा सूर्य योगात हठ योग निकलते। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, अष्टांग योग, राज योग, हठ योग, मंत्र योग, लय योग, ये सब योग है। सुबह सुबह योग करना तो
सुबह अच्छी होगी, दिन अच्छा होगा, तो पूरा जीवन अच्छा। आओ प्रार्थना के साथ आपको प्राणायाम का पुरुषार्थ कराते हुए योग साधना में आगे ले चलते हैं। लय के साथ कीजिए, चेहरे पर सहजता। मैंने कहा था जिनके जीवन में बहुत मायूसी निराशा रहती है, जो अनमनस्क से रहते हैं, वो जरा अपने चेहरे पर भी सहजता लाएं, प्रसन्नता लाएं, आनंद उत्साह दिव्यता लाएं, जिसको सात्विक संपदा कहा है। अवयम सत्व संसिद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति ही परम मश्य युच्छिष्ट स्वाध्याय स्तपार्ज अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्याकर्षन्त्यापैश्वन्या भूतेश्वरो दुर्मार्गमीच तेजः क्षमा बाल भात करो और इस योग पथ पर, हे पथ पर आगे बढ़ते जाए। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। अरे वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। ये परम तपस्या के पति को, ये परम तपस्या के पति को तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। के इस समरांगन में विजयी बनना आसान नहीं। ये जीवन का पथ है, बार बार पथ का विधान, ये जीवन का एक अकाट्य सत्य है। इसमें बाधाएं, प्रतिकूलताएं, संघर्ष, चुनौतियां, युद्ध होंगे, उन सबके बीच में युद्धस्व विगतस्य, हमें आगे बढ़ते जाएं, रुकना नहीं। आपको ऐसा योगी बनना, बहना नहीं है, बहकना नहीं है, वो योग से ही होगा, और कोई उपाय नहीं है। जय कीजिए, ऐसे प्रामाणिक योगी बनना। साधन के और सुविधाओं की शैया में ना सो जाना, माया के प्रलोभन प्यारे हैं इनके वश में ना हो जाना। माया के प्रलोभन प्यारे हैं इनके वश में ना हो जाना। तुम्हें सतत साधना के उन्नत, तुम्हें सतत साधना के उन्नत चोटी पर चढ़ गलना होगा। हे परम तपस्या के पति को, हे परम तपस्या के पति को तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। टाइट करके गले को, आकुंचन करके कंठ का, और ध्वनि पूर्वक साउंड के साथ श्वास अंदर भरते हैं, फिर रोक करके रखते हैं। छोड़ते समय दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ते हैं।
की अनमोल घड़ी कौड़ी के भाव न बिक जाए। ओ आनंद की अनमोल घड़ी कौड़ी के भाव न बिक जाए। चलती सांसें अज्ञात मोड़ पर आकर के ना रुक जाए। चलते सांसें अज्ञात मोड़ पर आकर के ना रुक जाए। वो सकल तपस्या इसके, वो सकल तपस्या इसके, गुरु पलकों में पलना होगा। परम तपस्या के पति को है, परम तपस्या के पति को तुम्हें नूतन पथ गढ़ना होगा। यह कमलम की मंजिल तुम्हें कदम चलना होगा। अरे वक्त है कमलम की मंजिल तुम्हें तेज कदम चलना होगा। तुम्हें तेज कदम चलना होगा, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। हाँ तेज कदम चलना होगा, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल तुम्हें तेज कदम चलना होगा। परम तपस्या की अपने पूर्वजों की भांति ऐसे भी पथ पर आगे बढ़ते जाना है, और जब तक मंजिल नहीं मिल जाती रुकना नहीं। उत्तिष्ठता जाग्रता प्राप्यवरा निबोधता अक्षरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत्कवयु वदन। अनुलोम विलोम करो। बायां चंद्र स्वर है, दाहिना सूर्य स्वर है, और इन दोनों की शक्ति का समन्वय यही हठ योग है। यही योग अग्नि सोम की शक्ति को पा करके एक तरफ तेजस्विता अग्नि जैसी क्रांति, और दूसरी तरफ सोम जैसी शांति। अनुलोम विलोम प्राणायाम निरंतरता पूर्वक करना, और करते करते प्राणायाम ये देह देवालय शिवालय बन जाता है। मूलाधार से सहस्रार तक अंतःशक्तियां जाग उठती है। पंचभौतिक देह, पंच भूत, पंच प्राण, पंच उपप्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेन्द्रिया, पंच कोश, अंतःकरण चतुष्टय, 72,72,10,201 नाड़ियां, अष्ट चक्र, नौ द्वार, सब पूरे दिव्य हो जाते हैं, पूरे जागृत हो जाते हैं। यह है योग की महिमा। देह देवालय शिवालय हो जाता है। हम मानव से महामानव, नर से नारायण, जीव से ब्रह्म हो जाते हैं। यह है योग की यात्रा। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवो अहम् ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानं ब्रह्मायम् आत्मा ब्रह्मः। ये योग और अध्यात्म का सबसे बड़ा सत्य आपकी अनुभूति बन जाता है। ऐसे आपको योगी बनना है। निरंतरता पूर्व कीजिए, ऐसे 5-5 मिनट करके 10-15 मिनट, एक एक ये इसका क्रम है। और इस क्रम से योग करते हुए इस उपक्रम में, इस योग के पराक्रम में, योग के पुरुषार्थ और प्रार्थना में जब पूरी तरह से प्रतिष्ठित हो जाते हैं तो योग पूरा आपके भीतर घटित हो जाता है। एक राउंड 5-10 मिनट का और अभ्यास के बाद तो कपाल भाते, अनुलोम विलोम ये 15-15 मिनट, और असाध्य रोगों में आधा तो 1-1 घंटा हम कराते हैं, और जीवन का दिव्य रूपांतरण हमने देखा है। यह अनुभूतिक सत्य आपसे कह रहे हैं। एक तो वो सत्य है जो शास्त्र में लिखे हैं, वो भी सत्य है, लेकिन ये तो अनुभव किया हुआ सत्य हम आपसे कह रहे हैं। शरीर जर्जरित हो गया था, अब जीवन की आशा नहीं बची थी। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी और अलग अलग रोगों से जिनका जीवन मौत के करीब पहुंच चुका था, उनको हमने नवजीवन मिलता हुआ देखा है। योग से ये योग की बहुत बड़ी महिमा।
इस योग की महिमा को गाना और जीना है। अनुलोम विलोम ऐसे 10-15 मिनट, कम से कम 5 मिनट तो छोटे बच्चों से हम प्रारंभ करा दें, फिर अपने आवश्यकता के अनुसार इसका समय बढ़ाते रहें। पहले उंगली माथे पर, शेष तीन उंगली आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नादना सीखा सा। श्वास उद्गीत पढ़े ओ के साथ अंतर्मुखी होते हुए
प्राणों के साथ प्रणव का ध्यान, हर श्वास के साथ प्राण प्रदाता जीवन दाता ओंकार। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार, ओम है कर्ता विधाता, ओम सर्वाधार है। तस्य वाचकः प्रणवतः जपस्तदर्थ भावम्। ओंकार का ध्यान करते हुए ऐसे अंतर्मुखी हो जाते हैं, और ओंकार ही सब ज्ञान, सब संवेदना, सब सामर्थ्य का, जीव जगत का, मनुष्य और मनुष्य जड़ चेतन का, व्यष्टि समष्टि पिंड ब्रह्मांड का प्रभुत्व ही आधार है। सबके कर्ता, सबके नियंता, सबके आश्रयदाता मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, अपनी शरण में। कैसे हर श्वास के साथ ओंकार का जप करते हुए भगवत शरणागति, ये योग की, अध्यात्म की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवत शरणागति कीजिए। दोनों हाथों को ऊपर उठाए, ऐसे 3 से 5 मिनट से प्रारंभ करके धीरे धीरे ध्यान का कालखंड बढ़ाना, और भगवान के ध्यान को, भगवान की स्तुति प्रार्थना उपासना का सबसे बड़ा फल यह है कि भगवान के दिव्य ज्ञान से, भगवान के दिव्य प्रेम संवेदनाओं से, भगवान के दिव्य सामर्थ्य से हम युक्त हो जाते हैं, भगवान के ही प्रतिरूप प्रतिनिधि बन जाते हैं, भगवान के ही हम यंत्र बन जाते हैं। ये है योग की महिमा।